जुहार मुई बेणु आपण देखुछन नुआखा एक्सप्रेस खबर मूल कर्मा हेडलाइंस नु डरी करी पलाले विवादीय मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कांग्रेस कर्मी प्रतिवाद बेले निज रूट बदलाले मंत्री रास्ताने पचे पचे गुड़ाले युव कांग्रेस कर्मी मंत्री दिव्यशंकर हेले हैरान ममिता मेहर मर्डर मामला सरकार बर्षिले विरोधी 314 ब्लॉक आगे मंत्री कुशपुतलिका जालबा बीजेपी दल कहला मंत्री इस्तफा नहीं देवा तक चलवा आंदोलन कांग्रेस प्रश्न दोषी के खसाबा के पुलिस करुचे काम सियाड़े जवाब रखला बीजेडी ममिता मेहर परिवार की न्याय दाबी गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी ने राज्यव्यापी तेजुची आंदोलन झारसुगुड़ा ने अच्छी 8 घंटिया बंद पालन दुकान बाजार गाड़ी चलाचल बंद समलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ने छात्र छात्री धारणा री आडमिशन फी बढ़ीवा नहीं आंदोलन भिन्न भिन्न समस्या नहींकर पिलांकर गर्जन फी नहीं कमवा तक धारणा जारी रहा कहले चेतावनी बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल ने रोगी सेवार विकल छवि मेडिसिन वार्ड ने नाइन बेड तले सीकरी चिकित्सित होचन गुरुतर रोगी सबु जानी सुनी भी पदक्षेप नाइन नबार मेडिकल अधिकारी आरु पानी अभाव नु मरी जाउछे फसल धान खेते एबे चोरुचन गाई बलद बड़ चाकर परिश्रम सबु जाउछे उजड़ी कागज पत्र ने जलसेचन सुविधा हेले असल ने जमी के नहीं आसवा पाएन मडी लागिर चाषीकुल हताश आसमा पूरा खबर के ममिता मेहर मर्डर मामला बढ़ुचे विवादीय मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर मृदुखा हत्या घटना ने संपृक्त मंत्री इस्तफा सांगे गिरफ्तारी ने जोर धरीछे घटना सीबीआई तदन दाबी ने आज कलाहानी बीजेपी महिला मोर्चा तरफ एसपी ऑफिस आगे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाइछे इतने राज्यर बीजेपी महिला मोर्चा सदस्य सामिल होते ममिता मेहर हत्या घटना के नहीं करी सारा राज्य ने पूरा उठुचे पड़ुचे इतिर लगे बोल कर जन जहाँ परिवार लोगों को दाबी थी ला जे ये ममिता हत्याकांड घटना थी मंत्री दिव्यशंकर ना थी बा अगर परिवार लोग अभियोग कर चुन तो ताके नहीं करी आज कलाहांडी बीजेपी महिला मोर्चा तरफ के सामने रे प्रतिबाद करा जाइ छे आर जहाँ की जनता अभियोग आसुचे जे मंत्री का बहिष्कार करा जाउ बोल कर अभियोग आसी छे आर आपन मन देखि पारु थिबे जे कलाहांडी महिला मोर्चा तरफ विराट रैली करा जाइ छे एवं विभिन्न प्रकार रैली करा जाइ छे आ मंत्री दिव्यशंकर कर इस्तफा दावे करू छने बीजेपी महिला मोर्चा रे जन महिला माने अछन सेमंदर संगे हमें आलोचना करमा मैडम काना कहबे जन आज आपन मन तो प्रतिवाद कर छन काना दाबी रहछे देखो तो एकर बड़ तो प्रिंसिपल होय छी की तो ओडिसा सरकार नु तो भांग नै दिव्यशंकर के जे वोट हरि अमर दाबी दिव्यशंकर दिव्यशंकर के जे हसी अमर दाबी लड़ाई जारी रहै लड़ाई दाबी नै तो हम की सरकार ने मानी नै आ को दिव्यशंकर के सामने इस्ता पता भी अमर दाबी पहले से इस्ता पता भी जे जे तो अब वो तो मेरा न्याय माने ममिता मेरा ममिता मेहर के न्याय मिले बोल कर कहछन आर गोटे जदि हम कहि पामा विभिन्न जन बीजेपी महिला मोर्चा राज्य स्तरीय नेत्री माने अछन तांगो संगे भी आलोचना करमा अपन मन देखि पारु थिबे जे केन भावलिया भाव रे समस्त पूरा विरोध करछन मैडम माने आइछन तांगो संगे आलोचना करमा मैडम आज पर्यंत भी ममिता के न्याय नै मिलि परबे काने कहि देखन तो ये राज्य रे सरकार बोली गोटे जिनिस अछि एवं एठी गृह विभाग बोली गोटे विभाग अछि ये कथा को साधारण जनता बुझी पर एते दिन धरी आंदोलन चालू रहिला पर भी गृह विभाग रा राज्य मंत्री जे तांको संपृक्ति रा समस्त तथ्य सामना को आसिला पर भी मुख्यमंत्री के नीरवता एवं जो भली भाव रे मौन बलमता ग्रहण करके बसी चंती आज पर्यंत समस्त ओडिसा वासी का मन रे प्रश्न ओडिसा रो झिया ममिता जहां को ऊपर एई बोली अकथनीय अत्याचार करा जाए खंड खंड करी तको काटी पोड़ी पोती दिया गला एते विभत्स हत्याकांड रो हत्या करे जे आज भी से निज अंचल ले खोला बुलुची एवं प्रशासन पुलिस तको सहाय्य करूची ये समस्त कथा रे आमे मध्य बड़ चिंतित अछु जे ओडिसा रे आमे की भली राज्य रे आमे
महिला माने रहउछ जोठी हमर पंचिबार अधिकार नै जोठी हमर कथा कहिबार अधिकार नै ममिता को हत्या काहे कि करला किछ कथा ता पकर थिला जे कथा को तको हत्या करला आज ताले ओडिसा रे जो मां भोणी रहिबे तुम समस्त को कंठ रोध करबो एवं जे सत कहिबा को चिंता करबो ताको एई भले निर्मम हत्या करबो एवं जे हत्या कला पर हत्याकारी को तुम्हें ताको निज कानी तले लुचेई रखिबो आर प्रतिवाद रे सारा ओडिसा रे एई आंदोलन चालू रहिछि जते पर्यंत दिव्य शंकर मिश्र को बहिष्कार एवं गिरफ करान जी ये आंदोलन ओडिसा रे एमति व्यापक भाबे चालू रहिछि महापर देखन इटा हला जन आज कलाहांडी जिला बीजेपी मोर्चा तरफ रु बीजेपी महिला मोर्चा तरफ रु गोटे रैली करा जायतला जेंते कि शह शह हजार हजार संख्या रे बीजेपी महिला मोर्चा तरफ रु से माने एसपी ऑफिस घरा करछन और सीधा सलग भाव रे कहउछन जे मंत्री को गिरफ्त करा जाउ घटना सीबीआई तदंत करा जाउ एवं मंत्री को बहिष्कार करा जाउ बोल करी माने जहां दावे करूछन। कलाहांडी भवानी पटना रु कैमरा पर्सन रजत पटनायक जसवंत अर्गस न्यूज। ममिता मेहर मर्डर मामला परिवार के न्याय दाबी आरु मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी ने आज बीजेपी आड़ आठ घंटिया झारसुगुड़ा जिला बंद पालन कर सकालु छनु दिन दुईटा तक आठ घंटिया झारसुगुड़ा जिला बंद पालन कर शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना ने अभियुक्त गोविंद साहू सागे गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र संपृक्त जानकर भी मुख्यमंत्री तांके मंत्रिमंडल बहिष्कार नहीं करबार ममिता मेहर हत्याकांड ने चपा बाके सरकार भरपूर उद्यम करुछन बोली बीजेपी अभियोग आनी छे। शिक्षयित्री ममता मेहर हत्या केस ने ओडिशार भिन्न भिन्न जगह ने चली छे कैंडल मार्च थाना घेराउ तार परे जिला बंद आज जिला बीजेपी तरफ नु दिया जाय छे आठ घंटिया झारसुगुड़ा बंद अत्यावश्यक गाड़ी के केवल छड़ा जाउछे बाकी सब किछ अछे बंद आसुन पचरामा कि इजेन बंद को रखिछन इतर पचरे काणा उद्देश्य अच्छे आपण माने काणा चाहूछन काज भाबूछन कि न्याय न्याय मिलवार ममता के आज्ञा ममिता मेहर रो जेन दिन हत्या हैला हत्यार संगरे रेप हेतला रेप रो संगरे अमर ओडिसा रे सबु जिल्ला रे थाना घेरौ फिर अमर बंद हो सबु जिल्ला रे तापर भी न्याय नै मिलवार ये बीजेडी सरकार रे नवीन सरकार रे एते आंदोलन कल्ला पर भी न्याय नै मिलवार आगो टिके कथा रे नवीन पटनायक ताकर मंत्रिमंडल को बहिष्कार कर दउतले ताकर मंत्री ये रो ये कर दउतले दिव्य शंकर मिश्र जो मंत्रिमंडल रे अछंती तांकर इंडिकेटर रे जे ये हत्या हेछि से तार लागि आमे ई आंदोलन करूछु सीबीआई तदंत आमर दाबी ममिता मेहर को न्याय मिलवार आमर दाबी आगामी दिन रे जदि न मिले यारु भी बहुत विक्षोभ आंदोलन हबो आगामी प्लानिंग थी आज्ञा आम रोड घाट के उतरेमु आम झगड़ा करमु जब तक आम ममिता मेहर को न्याय नहीं मिलले आम आंदोलन करमु रास्ता के आनमु रास्ता घाट मारपीट हवा सरकार के आम आगामी दिन रे आम ताके वार्निंग करूचु कि आमको न्याय मिलू ममिता सर को न्याय मिलू ताकर घर को न्याय मिलू आम चाहूचु कि तार सीबीआई जांच हो दिव्यशंकर मिश्रा मु तांको क्वेश्चन पचरावार लगी चाहूचे कि से काहे थे लगी एखेन जाके से मीडिया के नहीं आबार कि ममता मेहर रो जन मर्डर केस हेछे तार जवाब नहीं देबार तार जन एलिगेशन लगी छे काहे थे लगी से जवाब नहीं देबार कि काहे थे लगी मीडिया रे नहीं आबार कि मुख्यमंत्री काहे थे लगी ताके बहिष्कार नहीं करबार एते एलिगेशन लगला पर भी हेटा गोटे रहस्यमय घटना जन घटी छे आमे चाहूचु तार सीबीआई जांच हो आउ से इमीडिएट तांको बर्खास्त करा जाऊ तार जाए तार परे जाई करे आमे शांत हबो कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र के तदंतर परिसर थी आना जाऊ आ तांको बहिष्कार करा जाऊ जदि नै हेले फिर सीबीआई तदंत करा जाऊ ई डिमांड रखिछन आमर आंदोलनकारी सरकार तो कहुचे कि आमे बहुत निर्मल आउ स्वच्छ आउ जेंता एक्वागार्ड रो पाइन बागिर बेले असुविधाटा केने रही जाउचे सरकार कां जे ई ममता मेहर के न्याय दबार लगी पछकुचा दौचे इटा जना नहीं पड़वार लोक मैंने सन्देह करुछन सरकार इतर पछे किसी मंद उद्देश्य तो नहीं न झारसुगुड़ा कैमरा पर्सन बापी दलाई संगे प्रकाश राणा अर्गस न्यूज। डरी करी पलाले विवादीय मंत्री दिव्यशंकर मिश्र युव कांग्रेस कर्मी प्रतिवाद बोले निज रूट बदलावाके बाध्य मंत्री रास्ताने मंत्री के गुड़ाले कांग्रेस कर्मी मंत्री हठटा होकर देखवाके मिली एंता दृश्य एवं भाइराल हो ये भिजुआलटा कलाहांडीर बोली जनापड़ी
जेने मंत्री के एंता विरोध सामना करवा के पड़ी। दिन जितकी गड़ुचे ममिता मर्डर केस ने कैप्टेन कर लगी मुड़दुखा सेतकी बढ़ुचे। विरोधी ठानु आरंभ कर साधारण जनता मंत्री कर इस्तफा ही दाबी करुचन। आसमा अलका खबर के पुलिस गाड़ी धक्का ने युवकों मृत्यु। झारसुगुड़ा जिला रेंगाली थाना अंतर्गत चिकलापाली छक थाने गलाकाली राति ने पुलिस गाड़ी धक्का होकर जने युवकों मृत्यु होइथिबार अभियोग हेछे। ए दुर्घटना ने आरु जने युवक आहत होइछन। मृतक जन पलसदा गाँव सागर मेहर। पलसदा गाँव सागर मेहर आरु सत्यवान तेलेंगा बाइक ने जाउथिबा बेले पुलिस गाड़ी धक्का संगे देथिला। परे पुलिस तांके टीआरएल हॉस्पिटल ने भर्ती करथिला। सेने डाक्तर तांके मृत्यु घोषणा करथिले। घटना ने एकरे स्थानीय अंचल ने उत्तेजना देखबा के मिलिछे। युवकंकर मृत्यु लागिर पुलिस के दायी करिछन मृतकंकर परिवार लुके। जो पारिपार्श्विक अवस्था अछि से पारिपार्श्विक अवस्था रे क्लियरली जणा पड़ि जइबो जे एक्सीडेंट कार द्वारा हिछ को गाड़ी द्वारा हिछ एटा क्लियरली जणा जइबो। से खाली कहि देले हबनि किबा अन्य जणे केही बायस करिकरि पुलिस विरुद्ध कह एम थो पी सी आर मैम जी नेमारी उठे तार बैग तार संगे जन से होश नहीं था यहाँ होश है से कहे कि पी सी आर गाड़ी मत मारिकी गई। समलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय आगे छात्र छात्री धारणा। री आडमिशन फी बढ़ाई नहीं छात्र छात्री प्रतिवाद। तार संगे विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न समस्या के लेकर धारणा दे छात्र छात्री। इताके नेकरि विश्वविद्यालय सबु क्लास बंद रही छे। विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष बर्ती फी के नाई बदलाबा तक आंदोलन चालू रहबा बोली छात्र छात्री माने चेतावनी देलिछन। आम आमर एडमिशन फीटा बढ़ी जाइए जेनटा कि आम ह्रास करवा लगे चाहूँ इतने आम भिजि पाकेज देखूँ और डबल डबल रेट मैंने कमी जाइए। सब यूनिवर्सीटर रेट कमी जाइए किंतु आम यूनिवर्सीटर रेट बढ़ी जाइए। जेनटा कि आम लाइब्रेरी देखुचे लाइब्रेरी एडमिशन फी नौ कि लाइब्रेरी खुला न चार मस हो सबकी एडमिशन फी बढ़ी जाइए से आम भिजि पाके जेनटा कि आम एप्लिकेशन दूचे जब कमे नहीं कमे आम स्ट्राइक करवा लगे पोजिशन के आसूँ ना बोले सभी एडमिशन कर पार्बार रेट बढ़ी जाइए सहीटा आम प्रोब्लेम है। आम भिजि पाके कहना डिसीजन हो जना पड़वा आउ एग्जाम लगे आज ना आमको रिजल्ट दरकार कहना से प्रोसेस नवर लगे जाऊँ आम कहू कि जेन अहेतुक भाव फीज वृद्धि कर दि जाए कम हो गत वर्ष आमर जो एडमिशन पैसा दे से पैसा गुड़ाक किन किन ने खर्चा हला तार लगे गोटे जवाब दि जाऊँ सबु वर्ष केन हेड रे केते पैसा रिएडमिशन लगवा जे गोटे डिटेल्स देस इर्ष सेटा भी नहीं दे तो आमर दाबी होचे से डिटेल्स भी दि जाऊ। समलपुर भीमसार डाक्तरखाना ने रोगी गुलगुला। मेडिसिन वार्ड ने नाइन ऑफ बेड बारंडा ने सुई चिकित्सित होछन रोगी। तले होचे रोगी चिकित्सा बार बार एंता असुविधार सम्मुखीन होछन रोगी। हेले मेडिकल कर्तृपक्ष इतार समाधान लगिर केनसी पदक्षेप नाई नबार। बारंडा ने चिकित्सित थिबा रोगींकर लागिर स्वतंत्र वार्ड व्यवस्था करबाके दाबी जोर धरिछे। सेडा जल्दी इतार समाधान करा जाय बोली कहिछन भीमसार निर्देशक। दुई दिन है मोर बापा के भर्ती कर सी बरंडार से मच्छर चाबुसे शरीर भी दुखुचे जमीन शोबा बेले मोर बापार लगे गोटे बेड मत दरकार अच्छे मत कि दरकार नहीं ना। बुला मेडिकल जो खाली कोटी कोटी टकर विराट विराट घर बना हो कोटी कोटी टकर एसी लगा होता किसी कम नुपर्त आम गोटे रोगी को भलकर चिकित्सा करना तो मोर अनुरोध जे यथाशीघ्र मेडिकल कर्तृपक्ष जेंदी रोगी माने प्रॉपर चिकित्सा पाई पारबे बेड पाइबे तापर ध्यान दियंतु। आज जाईतिले नै आबा कंदे आ गुटे हे पाखन सामना रे जेन वाटा अछि सासु आमे एक्टिवेट करवा लै चाहू जे तो किछि बेड मिलि जो हमको आइ नै जाई सु देखा देखी करि जे कहि जे सो या सो रेडी करवा लागि ऑक्सीजन लगा गोरी रोगी को मतलब बेड नै नै हेतर का करना के हम ताय संगे घर कर देनी आ बा बेड कर देनी हमको तो
सुंदरगढ़ कुट्रा थाने थिबा जेएसडब्ल्यू सीमेंट कारखाना शिवा सीमेंट यूनिट मुख्य रास्ता अवरोध भिन्न भिन्न दाबी नेकरि गांगपुर माटी सुरक्षा मंच तरफ रास्ता अवरोध करा कंपानी कर्तृपक्ष स्थानीय पिलांके निजुक्ति नै देउथिबा बेलके जमे हरे थिबा व्यक्तिके क्षतिपूरण एंता छ दफा दापी नेकरि रास्ता विरोध करिछन लुके कंपानी कर्तृपक्ष इदिग्ने ध्यान नै देले आगामी दिन ने आंदोलन के आरु जोरदार करा जाबा बोली संघ चेतावनी देइछे। स्मार्ट कार्ड बंटन ने निजर व्यवस्था के निज विरोध कला समलपुर बिजेडी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समलपुर जिला ने स्मार्ट कार्ड हेल्थ कार्ड बंटन आरंभ कर जिला ने 7 लाख नु अयत्का हितधिकारी स्मार्ट कार्ड अंतर्भुक्त थिबा बेलके महानगर निगम ने 55,369 जन हिताधिकारी उपकृत हेबे हेले महानगर ने स्मार्ट कार्ड बंटन ने हेरफेर हेउथिबा अभियोग हेछे। बंटन व्यवस्था मध्य किसीटा अनियमितता त्रुटि विच्युति आम नजर को आई से संपर्क में मध्य आम व्यवस्थार दृष्टि आकर्षण करने आज आपण मानक अनुरोध करुँ जे से संपर्क आपण मैंने पुंगानुपुंग तदन करी व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को सचेतित करानु। मुख्यमंत्री गस्त सांगे बीजेडी गुंडाराज के नहींक्री कुंचिटन पूर्वतन विधायक रवि नारायण आनंद नायक सांबादिक सम्मेलन कर सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जोग दे दलीय कार्यक्रम के परिणत करी निर्वाचनी प्रचार करा जाउछे। बीजेडी गुंडाराज करी बीजेपी कर्मी के आक्रमण बेले पुलिस देखुथिला बीजेपी मुख्यमंत्री के पचरे थिला 22टा प्रश्न उत्तर मुख्यमंत्री नाई रखिबार मुख्यमंत्री गस्त बेले बीजेडी गुंडा माने वर्णातक आक्रमणकारी के 15 दिन भितरे गिरफ नाई कले बड़ धरण आंदोलन हबा बोली रवि नारायण नायक कहिछन। भारतीय जनता पार्टी दाबी करुछि जो 400 रो 500 गुंडा आसीथिले एवं जो पंचायत रे प्रोग्राम हला पंचायत रो सरपंच निर्वाचित प्रतिनिधि मानकु पचारि नहंती ए दुई जणकर को नै अरेस्ट करिबार आवश्यकता अछि माने गुंडा मानंकु अरेस्ट करा जाउ एवं जो जो प्रशासनिक अधिकारी सरपंच मानंकु इग्नोर करिछंती तांको उपरे भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ भारतीय जनता पार्टी मान करूछि। बलांगीर जिला ने जाके जेतकी बेसरकारी स्कूल जिलापाल नहीं देवा तथ्य बलांगीर जिलार बेड़धड़क हिसाब ने खुलुचे घरोई शिक्षानुष्ठान बिना स्वीकृति ने चालुचे स्कूल सूचना अधिकार आईन बल ने तथ्य मांगले भी नाई मिलबार तथ्य शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना पर राज्य घरोई शिक्षानुष्ठान सरकार स्वीकृति उपरे समस्त नजर पड़े समलपुर जने सूचना अधिकार नहींक्र तथ्य मागिचन हेले आज तक नाई मिलबार केनसी जानकारी जहाँके नहींक्र असंतोष देखवाके मिलीचे। आमे सामान्य जिलापाल महोदय कलेक्टर अफिस् बलांगीर पीएं को यहाँ मागिल जे घर कलेज जेन खुला हो जाए तार गाइडलाइन कण अच्छे गवर्नमेंट किसी सर्कुलर अच्छे क्या जदि अच्छे तार कॉपीटे आमको दि जाऊ आम मागिल जे से जेन लेक्चर मैंने पढ़ाऊन तर क्वाफिकेसन कण है आने जेन छुआ मानक पढ़ाऊन कलेज तरफ काण कण पढ़ावार के कहुजे से कण पढ़ाऊन तापर आम मागिल जेन छुआ मैंने जेन पढ़ुन बलांगीर कलेज प्राइवेट कलेज सेन्टर केनटा से केनु परीक्षा देवे तो ये सब जिन जना पड़े गार्डियन मैंने भी जापरि तक छुआ परीक्षा केनु देवा जदि सेन्टर एलर्ट ना बोले से स्कूल एडमिशन ही ना करन आंतु मत लगे से बोले प्रोत्साहन देवन कलेज वाले को तुम्हें कर आम तुम सागे अच्छे सूचना आईन अनुसार जहाँ धार्य कराई से सब हिसाब से किसी कम हो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रसंगे आम जहाँ पाखु आमको तथ्य मिलवा कथा से ही तथ्यटा मैंने गोटे अपरिपक्वर परिचय देकर जी दायित्व अच्छा सी गोटे अन्य जगह को पठाई जहाँकि मैंने स्टार्टिंग रु मैंने जो अपारगता आतर जो मैंने गोटे रोचे विचार विमर्श होसाधु मेट से ही टाइप रोटे जिनस देखा दूसरे। बरगढ़ अताबिरार सुनापो प्रमोद भगत थे सम्मानित 10
1,10,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଆସି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏଲ୍ଆଇସି। ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭକତ ଟୋକିଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ୍ଟି ଦେଶ ଲାଗି ପହିଲା କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାନେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ପହିଲା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ଖେଲ୍ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍। ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ନେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଉତାରୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଲ ପ୍ରମୋଦକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛେ। ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ ମୁମ୍ବାଇ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳରତ୍ନ ନେଇକି ଆସିବାରେ ଜରିଆ ହେଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ର କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିବ ଆଉ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧରି ଆସିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଶିଖର ଉପରେ ନେଇଯିବା। ରାଉରକେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍ ପାଖୁ ମଲାଦି ଉଦ୍ଧାର। ଗଛେ ଝୁଲିଥିଲା ବେଲେ ମଲାଦି ମିଲ୍ବା ଉତାରୁ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ପାଖର ଗଛ ଝୁଲିଥିବା ବେଲେ ମଲାଦି ମିଳିଥିବା ବେଲ୍କେ ଦିହିର ଅଧାନୁ ଅଏତକା ମାଟିନେ ରହିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ପୁଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ଯାକେ ପହଞ୍ଚି କରି ତଦନ୍ତମୂଳ କରିଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଆମ୍ବେଦକର ଛକ୍ନେ ଅଘଟନ। ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକରି ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ ମୁକେଶ ଯୁଗ୍ନିଆ। ମୁକେଶକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପହିଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାର୍ପରେ କଣ୍ଟାମାଝି ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଚାଡ଼ୁ ଯୁବକଙ୍କର ମଲାଦି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଶଙ୍କରା ରାଜୁ କୁମରା। ସେ ଗଲାକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ଆସି ଦିହ ଖରାପ ଥିବା ନେଇକରି ଡାକ୍ତରକେ ଦେଖିକରି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଥିଲେ। ମଲାଦି ପାଖୁ ମେଡିସିନ୍ ଜବତ କରିଛେ ପୁଲିସ। ରାଜୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କାଣା ସେଟା ନେଇକରି ଅଧିକା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛେ। ବୌଦ୍ଧ କମିରା ଗାଁ ରାସ୍ତାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକରି ଗଛେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାନେ ଜନକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛେ। ମୃତକ ମୁନା ନାୟକ। ସେ ଖମାରିପଡ଼ାନୁ ତାର ଘିନିକରି ଘରକେ ଫେରୁଥିବା ବେଲି ଗଛେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କେ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଲ୍କି ସେନେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଧୂଡ଼ିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଇପାଲି ଗାଁ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି। ଚାଷୀ ବରଷକେ ବରଷ ଜଲକର ବି ଦେଉଛନ୍। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। କ୍ଷେତେ ପାନି ଅଭାବନୁ ମରି ପୁଡ଼ିଗଲାନ ଧାନ ଗଛ। ଏବେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରେ ଗାଈ ବଲଦ ଚରୁଛନ୍, ଯାହା କିଣିକରି ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍। ଦେଖମା ରିପୋର୍ଟ। ବରଷ ଯାକର ସପନ ମାଟିନେ ମିଶିଲା। ଗାଈ ବଲଦଙ୍କର ପେଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ। କ୍ଷେତେ ପାନି ଅଭାବନୁ ମରିଗଲା ଧାନ ଗଛ। ମରଡ଼ି ଲାଗିର ଚାଷୀକୁ ହତାଶ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଧୂଳିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଇପାଲି ଗାଁ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛେ। ଚାଷୀ ବରଷକେ ବରଷ ଜଲକର ବି ଦେଉଛନ୍, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଚାଷୀଙ୍କର ମୁହଁ ହସ ବଦଳେ ଏବେ ଝରୁଛେ ଆସୁ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ସାଙ୍ଗେ ଜଳସେଚନର କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଥିବାନୁ ମରଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ନୂଆଖାଇ ଉତାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଲ୍କେ ଧାନ ଗଛ ମରି ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଏବେ ଜମିନେ ଗାଈ ବଲଦ ଚରୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ଅଭାବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ସବୁ ମରିଗଲା। ଜଳକର ବି ଦିଆଯାଉଛେ, ସେହିଁ ବି ପାଣି ବି ଭୋଇପାଲିକେ ପହଞ୍ଚୁନି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାହାକାର ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଋଣରୁ କିଛି ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରମୁ। ମୋର ତ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ୁ, ମୁଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ, 15-16 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ବି ଦାନା ନିବାହାରେ ଜମି ନେ, ଯେନେକି ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାଲ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଟିକେ ରଞ୍ଜି ବି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଚୋକଡ଼ା ଲାଗିକିରି ପୁରା ସେଟା ହଲଦିଆ ହେଇକିରି ମାନେ 4-5 ଥର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଝିଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେନେ ବି ମାନେ ଟୋଟାଲ
ସେ ଚାଷ ଧାନ ନି ବାହାରେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଟୁମ୍ ପୋଷବାର ଲାଗି ଧାନ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଭରସା। ବରଂ ଚାକର ପରିଶ୍ରମ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଲକେ ଚାଷୀ ରାକ୍ଷୀନୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛେ। ସଭେ ବରଷ ଚାଷୀ ମର୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ଭୋଇପାଲି ବାଲିମାଲ ନୁଆଡି ସାଙ୍ଗେ ଧୂଳିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମର୍ଡି ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ମର୍ଡିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବା। ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନି ହେବାରନୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଚାଷ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଧାନ ଖେଡ଼େ ଖେଡ଼େ ଫୁଟିଛେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଲା ସଜା ଗୁରସ ବି ନେଇ ପାରିଲା। ମାନେ ସେଟା ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହେବାର କିଛି ମାନେ ଉପାୟ ନିନ ତାର। ଆଉ ଯେନ୍ ଜମିଟା ମାନେ ନି ହେଇ ସେଟା ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ମରିଗଲାନ। ଗାଈ ବଳଦ ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ଗାଈ ବଳଦ ଚରେଇ ଦେଲୁନ ଆମେ। ଟୋଟାଲ ଗାଁର ସବୁ ଜମି ଗାଈ ବଳଦ ଚରେଇ ସରିଗଲାନ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛେ ଯେ ମାନେ ଆମର ଗାଁରେ 90% ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଉଭୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେଥି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏକ ଆଇଏଷ୍ଟିମେଟେଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଗଜପତ୍ର ନେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଅସଲ ନେ ଜମିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସ୍ବା, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଭାଗ୍ୟକେ ଆଦରି ଟାକି ରହିବେ ଚାଷୀ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖ୍ବେ କେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀକେ ମିଲ୍ବା ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଇଛେ ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନରକମା ଜୁହାର।